हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन हम आपको पता ही है क्या टॉपिक चल रहा है, ऑप्टिक्स चल रहा है, तो वापस हम फिर ऑप्टिक्स पे आ गए हैं। वीडियो में बहुत जल्दी जल्दी अपडेट कर देता हूँ यूट्यूब पे। इसके पीछे वजह ये है कि मैं चाह रहा हूँ, बार पहले भी मैंने ये बात की थी कि मैं चाह रहा हूँ कि कोर्स का आपका जो वीडियो मिलती रहे ना, वो सिलेबस के हिसाब से मिलती रहे। हम बहुत ज़्यादा डिले करेंगे वीडियो अपडेट करने में, तो आपका कोर्स स्कूल से या जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें गैप ज़्यादा होगा, तो वो मज़ा नहीं आएगा। इससे मैं वीडियो फटाफट सीरीज़ बना के देते जाता हूँ, अपलोड करते जाता हूँ। इसलिए आप इसी स्पीड से आप भी पढ़ाई करो अपनी, राइट। आज एक टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ, टॉपिक का नाम है लेंस फार्मूला। जैसे हमने पहले पढ़ा था मिरर फॉर्मूला, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ लेंस फॉर्मूला। अब ये लेंस फॉर्मूला क्या चीज़ है, ज़रा सुनो। मिरर फॉर्मूला क्या था याद करो, किसके बीच, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ में रिलेशन बताता था ना, वही चीज़ यहाँ है। वंस अगेन द सेम, यहाँ पर भी वही है। वो मिरर के लिए था तो मिरर फॉर्मूला, यहाँ भी हम वही काम करेंगे बेटा। हम यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में रिलेशन बताएंगे। वो था मिरर के लिए, लेंस के लिए है। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, द फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान से सुनना, क्या है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कैसे ड्राइव करेंगे, ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मिरर फॉर्मूला, सबसे पहले आप क्या करना, एक कॉन्वेक्स लेंस बनाना, राइट। ये तो लेना पड़ेगा आपको कॉन्वेक्स लेंस। यहां पर आप एक ऑब्जेक्ट रख देना, ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, और यहां से एक लाइट ले जाना, कहां से पास करेगा, फोकस से। ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो। फिर एक लाइट, हमेशा दो लाइट ले जानी है, याद रखना, एक तो एक्सिस के पैरेलल फोकस से, दूसरी लाइट जो आपको ले जानी है बेटा वो ले जानी है सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से, बस। यस, ये क्या है आपका सेंटर। अब ये लाइट जो पैरेलल जाएगी, जो फोकस से होकर गुजरेगी, ये लाइट जो सेंटर से जाएगी, सेंटर से जाने वाली लाइट, तो मैं पढ़ा चुका था लेंस का सेंटर हो, किसी भी सरफेस का सेंटर हो, सेंटर से जाने वाली लाइट में कोई रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं होता। ये दोनों जहां मिल जाएंगे वहां पे आपका इमेज बन गया, इसका नाम रख दो ए डैश बी डैश। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, डिस्टेंस सारी इस लेंस के सेंटर से लेनी है। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड माइनस यू, फोकल लेंथ राइट साइड प्लस एफ, इमेज राइट साइड प्लस वी। इतना करने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा काम करना है, एक्स्ट्रा काम को मैं ब्लू से दिखा देता हूं। ए बी के साइज का यहां पे एक लाइन खींच देना है सी डी, बस ये एक्स्ट्रा काम करना है। ए बी के साइज के बराबर आपको एक सी डी लाइन खींच देनी है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं बता रहा हूं, एक लाइन खींच देना बस, और कुछ नहीं करना। अब जब इतना आ गया, तो अब एक आप ट्रिक बताओ और अच्छे से बताओ बेटा, जब आपने इतना कर लिया तो मुझे जहां तक लगता है देखने में कि ट्रायंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी मुझे साफ दिख रहा है सिमिलर, बोलो कैसे सिमिलर है बताना जरा। एक एंगल यहां यहां 90 है, और ये वर्टिकल अपोजिट से ये एंगल सेम है, जहां दो एंगल मैच कर जाएं वो सिमिलर, एक एंगल तो 90-90 है ही है, एक एंगल अपोजिट होने के कारण सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर, सिमिलर एक जैसे हो गए। तो जब सिमिलर हो जाते हैं तो क्या कहा था मैंने, दोनों का ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और दोनों ट्राइंगल के बेस की वैल्यू सेम हो जाती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए डैश सी, यही होना सिमिलर का मतलब, परपेंडिकुलर का रेशियो और इनके बेस का रेशियो सेम हो गया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन, बस। अब आगे हम बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब बेटा ट्राइंगल, अब नेक्स्ट देखो आप, अब ट्राइंगल देखो आप सी डी एफ और ए डैश बी डैश एफ, आप किस में आओगे, ट्राइंगल सी डी एफ
एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ये भी सिमिलर है, आप देख लो, आप देख लो, ये भी सिमिलर है। बोलोगे कैसे सिमिलर है सर? बिल्कुल सिमिलर है, देखो ये एंगल 90, यहां भी ये एंगल 90, ये भी वर्टिकल अपोजिट से सेम, दो एंगल मैच कर गया सिमिलर, तो यहां पे सिमिलर आ गया, तो फिर वही कहानी, दोनों के परपेंडिकुलर का रेशियो और दोनों के बेस का रेशियो सेम कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी डी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ अपॉन ए डैश एफ, हो गया। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये जो CD है, CD किसके बराबर है, AB के बराबर है ना, तो अब CD को हटाकर AB लिख दो, आओ AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू, अभी क्या आया CF, ध्यान से सुनना, और अपॉन A डैश F, थोड़ा ट्रिक है, A डैश F, A डैश F, इसको ऐसा लिख सकते हैं, A डैश F को देखो तो ए डैश सी माइनस सी एफ, इतना को नहीं लिख सकते, टोटल माइनस दिस आ गया इतना, तो ए डैश एफ को क्या लिख देंगे बेटा बताओ, ए डैश सी माइनस सी एफ, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। कुछ नहीं किया मैंने, आप समझे, पहला ट्रायंगल कौन सा लिया, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, सिमिलर पहला इक्वेशन बना दिया। दूसरा ट्रायंगल क्या लिया बेटा, सी डी एफ ए डैश बी डैश एफ, ये भी सिमिलर दूसरा इक्वेशन बना दिया, सी डी को वापस ए बी लिख दिया क्योंकि साइज तो बराबर था, और एक और दिमाग क्या लगाया, ए डैश एफ को, ये जो ए डैश एफ आया है यहां, ए डैश एफ को ए डैश सी माइनस सी एफ, इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन को देखो आप, दोनों में से ए बी बाय ए डैश बी डैश ही बन रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं बताना जरा बेटा, आप क्या लिख सकते हैं, आराम से जवाब देना, ए सी अपॉन ए डैश सी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन ए डैश सी माइनस सी एफ, बस अब आपका काम है सारी वैल्यू को रखना, ए सी माइनस यू, ए डैश सी प्लस वी माइनस यू अपॉन वी, सी एफ फोकल लेंथ, ए डैश सी वी माइनस सी एफ, बस हो गया। अब क्या करो बेटा, अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस वन ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गया माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस यू एफ, क्या कर रहा हूं मैं, माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस वी एफ इज इक्वल टू वी एफ, क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ, हो गया। अब इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो बोथ साइड, एक तरफ नहीं दोनों तरफ, किससे, बाय यूवीएफ से, यूवीएफ से डिवाइड करो, यूवीएफ से, यूवीएफ से क्या आ जाएगा, डिवाइड करके देखो, माइनस यूवी बाय यूवीएफ प्लस यूएफ बाय यूवीएफ इज इक्वल टू वीएफ बाय यू वी एफ, हो गया। तो यहां से क्या हो गया, यू वी कट गया माइनस वन बाई एफ, यू एफ यू एफ कट गया वन बाई वी, वी एफ वी एफ कट गया वन बाई यू, हो गया बस खत्म। अब वन बाई एफ को उधर ले जाओ, वन बाई यू को उधर लाओ, क्या गया वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, यस दिस इज अ लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूले में प्लस आता था इसमें माइनस आ गया, इतनी सी बात थी, छोटी सी बात। क्या क्या मैंने पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्रूव किया, दो रे ऐसे और ऐसे, इमेज बन गया यहां पर, दो रे ले जाने हैं, एक पैरेलल फोकस से याद रखना और एक सेंटर से, उसके बाद ऑब्जेक्ट इमेज वगैरह वगैरह हो गया, ऑब्जेक्ट के साइज का एक लाइन खींच देना, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी सिमिलर, दो एंगल मैच, पहला इक्वेशन तैयार, सी डी एफ ए डैश बी डैश एफ सिमिलर, दूसरा इक्वेशन तैयार, उसके बाद लास्ट में जो इक्वेशन बनेगा उसको यू वी एफ से, किससे, यू वी एफ से डिवाइड कर देना, अपने आप इस इक्वेशन को, ये फॉर्मूला बन जाएगा, मिरर मिरर फॉर्मूले में प्लस, यहां बस माइनस, हो गया प्रूफ।
अब बोलते हैं सर आपने कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्यों किया, इसे कॉनकेव लेंस के लिए भी कर सकते थे। आप इस फॉर्मूले को कॉनकेव लेंस से भी करके दिखाओ, आपने कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्रूफ किया ना सर। अब मुझे चाहिए ये फॉर्मूला कॉनकेव लेंस, अगर आपने कॉनकेव लेंस से ये फॉर्मूला प्रूफ करना है, ये भी बताओ कि सिर्फ कॉन्वेक्स में ही नहीं होता, ये कॉनकेव से भी प्रूफ हो सकता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सेम फॉर्मूले का प्रूफ कॉनकेव लेंस से, कुछ नहीं है, बस डायग्राम थोड़ा चेंज होगा। राइट, ये हो गया कॉनकेव लेंस। मैंने क्या कहा था बेटा, आपको याद है या नहीं याद है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, लाइट आई, आने के बाद हो गई डाइवर्ज, एक लाइट कहां से ले जानी है, सेंटर से, ये दोनों लाइन मिल ही नहीं पाए तो मजबूरी में आपको पीछे बढ़ाना ही बढ़ाना है, जहां पे मिल गया वहां पे रियल इमेज तो बनाया नहीं, रियल इमेज तो बनता है उधर, इधर तो वर्चुअल बन रहा है, कोई बात नहीं वर्चुअल बना देंगे, ए डैश बी डैश, पता ही आपको सेम कहानी है, यहां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और जहां पे एक रे ऐसे, एक रे सेंटर से, जहां मिल गया वहां इमेज, और ये रे जहां यहां पे एक्सिस पे मिला वो फोकस हो गया, दो ही रे चाहिए ना, एक सेंटर से और एक डाइवर्ज, ये मिल नहीं पा रहे मजबूरी में पीछे बढ़ाना पड़ा, एक्सिस पे जहां ये लाइन मिली वो फोकस, और जहां ये दोनों रे मिल गए वहां इमेज। यहां पे देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव और फोकल लेंथ भी नेगेटिव, सब के सब लेफ्ट साइड। फिर मैंने क्या कहा था आप याद करो, ब्लू से बनाया था, ए बी के साइज का यहां लाइन खींच देंगे, क्या क्या नाम रखा था मैंने, सी डी, सेम कहानी, फिर वही एकदम डिट्टो, एकदम एक एक चीज सेम है, आप देख लो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी सिमिलर, वही क्वेश्चन बनेगा। फिर आप कैसे बनाओगे, जहां सिमिलर होगा तो कैसे क्वेश्चन बनेगा बेटा, ध्यान से देखो कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, वंस अगेन आई कैन राइट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर व्हाट सिमिलर, जस्ट सिंपल, बहुत सिंपल, सिमिलर है तो फिर वही बात आ गई फिर से, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी बाई ए डैश सी, इक्वेशन नंबर वन, एकदम सेम, कुछ भी इतना सा अंतर नहीं है। अगला ट्रायंगल क्या बना बेटा, सी डी एफ और ए डैश बी डैश एफ, सी डी एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये भी सिमिलर, एक एक एंगल 90 और एक एंगल कॉमन, तो यहां पे क्या बनेगा, नाउ इन ट्रायंगल सी डी एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ये भी तो सिमिलर है, दो एंगल मैच कर रहा है, तो यहां पर भी वही कहानी आएगी, सी डी एफ और ए डैश बी डैश एफ, ध्यान से सुनो, यहां भी वही कहानी आ रही है, सी डी बाई ए डैश बी डैश, कुछ भी चेंज नहीं है, बट डायग्राम चेंज हुआ है, इज इक्वल टू यहां से यहां सी एफ, यहां से यहां ए डैश एफ। फिर आगे मैंने क्या कहा था पिछले, अभी जस्ट दो मिनट पहले, सी डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, फिर लिख देंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी एफ, फिर बताओ ए डैश एफ इतनी सी दूरी है, बीच की दूरी को सेंटर से देखते हैं तो ए डैश एफ को लिख सकते हैं सी एफ माइनस ए डैश सी, इतना को लिख सकते हैं, टोटल में से इतना हटा दो, क्या लिख सकते हैं बताओ, ए डैश एफ को क्या लिख सकते हैं बेटा, सी एफ माइनस ए डैश सी हो गया, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, सेम तो है, एकदम सेम है। फिर क्या करेंगे, ये भी ए बी बाई ए डैश बी डैश, ये भी दोनों को इक्वेट कर देते हैं, क्या आ गया, ए सी बाई ए डैश सी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन सी एफ माइनस ए डैश सी, अब रखनी है वैल्यू, चलो ए सी माइनस यू, ए डैश सी माइनस वी, सी एफ माइनस एफ, ए डैश सी माइनस वी, सब लेफ्ट साइड है, सब माइनस में आया, माइनस यू अपॉन माइनस वी इज इक्वल टू माइनस एफ इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस माइनस यू, सॉरी ये ए डैश सी है ना, माइनस वी,
हो गया, सबकी वैल्यू रख दी मैंने। अब क्या करते हैं, बहुत सिंपल है बेटा, पहली बात तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया यू बाई वी इज इक्वल टू एफ, और ये देखो वी माइनस माइनस प्लस माइनस एफ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यू वी माइनस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। इसके बाद मैंने क्या कहा था लास्ट में, सेम प्रोसेस चल रहा है, दोनों साइड यू वी एफ से डिवाइड कर दो यू वी बाई यू वी एफ, यू वी बाई यू वी एफ बाई यू वी एफ। साफ दिख रहा है मुझे तो, दिख गया यहां से यू वी कट गया, वन बाई एफ माइनस वन बाई वी इक्वल टू वन बाई यू। अब इसको क्या करोगे बेटा, देखो यहां से क्या है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, यू वी वन बाई एफ माइनस यू एफ वन बाई वी, और ये आ गया वन बाई यू। अब क्या करेंगे, इसको इधर यहां पे देखना, कहीं कुछ यहां पे साइन में कुछ दिक्कत आई है, देखना आप चेक कर लो एक बार। ये कितना था, ये बताना ए सी क्या था बेटा, ए सी वॉज माइनस यू एंड ए डैश सी वॉज माइनस वी, ओके सी एफ, सी एफ वॉज माइनस एफ, ओके सी एफ वॉज माइनस एफ, अच्छा ए डैश एफ को, ए डैश सी को क्या लिखेंगे माइनस वी, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ ध्यान से देखना है, ये माइनस ही वी है, हाँ ओके ओके ये माइनस वी है, यहाँ देखो मैंने कहा यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे माइनस वी है ना, तो ये क्या हो जाएगा बताना जरा, माइनस यू बाय माइनस वी, माइनस माइनस कट गया, ऊपर माइनस एफ है, ऊपर माइनस एफ था ना, ये माइनस था, दैट वाज माइनस, मैंने कहा ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये माइनस एफ था और यहां माइनस एफ और ए डैश सी, व्हाट इज ए डैश सी माइनस वी, तो बीच में भी माइनस है और यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस वी। अब देखना, ध्यान से देखना, थोड़ा सा साइन कहीं भी उधर उधर हो जाता है ना, ध्यान देने वाली बात हो, आपको भी पेपर में ध्यान रखना है, साइन का खेल है बस, साइन उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। आप देखो ना ए सी माइनस यू, ए डैश सी माइनस वी, सी एफ माइनस एफ, सी एफ माइनस एफ, ए डैश सी माइनस वी, बीच का तो माइनस है ना, उसको भी ध्यान रखना है ना। अब क्या आ गया बेटा, अब आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा माइनस यू एफ प्लस यू वी, इधर आ जाओ माइनस एफ हो गया। अब क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, किससे यू वी एफ से, प्लस यू वी बाई यू वी एफ इजिकल टू माइनस एफ वी बाई कितना यू वी एफ, हो गया फिनिश, खत्म होने वाला है। अब क्या हो गया यहां से देखो, यू एफ कट गया माइनस वन बाई वी, प्लस यू वी कट गया वन बाई एफ इजिकल टू एफ वी कट गया माइनस वन बाई यू। अब इसको उठा के इधर ले जाओ, इसको इधर ही रहने दो, आ गया इक्वेशन वन बाई वी माइनस वन बाई यू इजिकल टू वन बाई एफ, फॉर्मूला तो वही आना था, लेकिन हमने वो कॉन्वेक्स लेंस से प्रूव किया और ये कॉनकेव लेंस से प्रूव किया, क्या लेंस फॉर्म द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, बस ओवर। इसको कहते हैं लेंस फॉर्मूला, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, किसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, इमेज डिस्टेंस में और फोकल लेंथ में, इस बात को कभी नहीं भूलना। तो अभी आपने टॉपिक जो देखा दैट वॉज द लेंस फॉर्मूला, क्या था ये लेंस फॉर्मूला। अब जैसे मान लो छोटे छोटे एग्जाम्पल आते हैं, आपको एग्जाम में आया कि भाई ऐसा है कि आपके पास एक कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस मैंने बोला है, ध्यान से सुनना, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ अगर 10 बोला है तो आप कॉनकेव लेंस हो या मिरर हो, लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने, फोकल लेंथ अपने आप माइनस में लेना है, कॉनकेव का माइनस कॉन्वेक्स का पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो कितना हो जाएगा माइनस 5, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऑलरेडी माइनस में ही लिया जाता है कि, तो आपको पता ही है। फिर इसने कहा है ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज भी दे रखा है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो 2 सेंटीमीटर है, तो आपको पढ़ाया था मैंने मिरर से कि ऑब्जेक्ट के साइज को H1 कहते हैं, राइट। तो पूछा है नेचर ऑफ इमेज बताओ, डिफाइन नेचर ऑफ इमेज, डिफाइन नेचर ऑफ इमेज, क्या कहा उसने कि इमेज का नेचर बताना है, इमेज का नेचर कैसा होगा ये समझाना है। बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है सर, बहुत आराम से हम बता सकते हैं, अभी आपने लेंस का फॉर्मूला बताया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, अभी 2 मिनट नहीं हुआ आपने बताया, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब क्या करेंगे बेटा 1/v
माइनस वन अपॉन यू, यू ऑब्जेक्ट तो हमेशा माइनस में लेना ही है और फोकल लेंथ भी माइनस में है, माइनस वन बाई टेन। तो वन अपॉन वी इज इक्वल टू कितना हो गया इधर जाकर, वन बाई फाइव माइनस वन बाई टेन। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, वन बाई टेन। उलट दो, वी इज इक्वल टू कितना आ गया, टेन सेंटीमीटर। ये लो वी आ गया टेन सेंटीमीटर। ध्यान से सुनो, यानी वी क्या आया, पॉजिटिव आया। और मैं आपको बता दूं, जब वी पॉजिटिव आता है तो इस सब बात का ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, सुनो। मिरर लेंस में अलग है और मिरर में कॉन्सेप्ट यहां अलग है। मिरर और लेंस में सिर्फ एक सिमिलैरिटी है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का, मिरर का कॉन्वेक्स मिरर हो वहां पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस हो यहां पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर में भी फोकल लेंथ नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, लेकिन बाकी सब बात उलट हो जाती है। क्या मिरर में हमेशा रियल इमेज लेफ्ट साइड बनता है? अगर वहां मिरर में वी नेगेटिव है तब रियल, और वी पॉजिटिव है तो वर्चुअल। और मिरर में जब रियल बनेगा, मिरर में जब रियल बनता है इमेज, तो वहां भी क्या बनता था मिरर में, रियल इमेज इन्वर्टेड, यहां भी इन्वर्टेड। ये भी सिमिलैरिटी है। मेरे कहने का मतलब है मिरर में रियल इमेज लेफ्ट साइड बनता है, बट लेंस में मिरर इमेज, लेंस में जो इमेज बनता है वो राइट साइड बनता है रियल। तो अगर वी पॉजिटिव आया, याद रखना, अगर यहां वी क्या आया बताओ बेटा, पॉजिटिव, तो आप क्या बोलोगे, इमेज रियल है। और जब रियल होगा तो इन्वर्टेड भी होगा, याद रखना। और अगर वी, लेंस की बात कर रहा हूं मैं, नेगेटिव आया तो इसका मतलब इमेज वर्चुअल है, याद रखना, और वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। तो मिरर में भी यही होता था, मुझे याद है जहां तक, रियल वहां भी इन्वर्टेड होता था, वर्चुअल वहां भी इरेक्ट होता था, बट मिरर में रियल लेफ्ट साइड बनता था, लेंस में रियल राइट साइड बनता है। तो वी पॉजिटिव आने का मतलब एक चीज पता चल गया कि वी पॉजिटिव है तो इमेज क्या है सर, एक तो रियल है, और रियल होगा सर तो इन्वर्टेड भी होगा, याद रखना। तो क्या सिमिलैरिटी है मिरर और लेंस में, वहां भी फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, लेंस में भी कॉन्वेक्स का पॉजिटिव। मिरर में भी कॉन्केव का फोकल लेंथ नेगेटिव, यहां भी लेंस में भी कॉन्केव का फोकल लेंथ नेगेटिव। मिरर में भी रियल इमेज बनेगा तो इन्वर्टेड, और यहां भी रियल इमेज बनेगा तो इन्वर्टेड। मिरर में भी जब वर्चुअल इमेज बनेगा, किस में, मिरर में, तो वो इरेक्ट, यहां भी इरेक्ट। लेकिन मिरर में रियल इमेज लेफ्ट साइड बनता है और वर्चुअल इमेज राइट साइड बनता है, बट लेंस में रियल इमेज राइट साइड बनता है और वर्चुअल इमेज लेफ्ट साइड बनता है। तो वी पॉजिटिव आना साबित हो रहा है कि 10 सेंटीमीटर पे रियल और उल्टा इमेज बना। फिर आपको मैंने क्या कहा था, हम इस रेशियो को इक्वेट कर देते हैं, वी बाई यू इज इक्वल टू कितना, एच टू बाई एच वन, इमेज साइज बाई ऑब्जेक्ट साइज। इससे आप ये निकाल सकते हो इमेज का साइज कैसे, बेटा वी कितना आया 10, U कितना था 5, मॉड में माइनस नहीं लेते, इज इक्वल टू एच टू बाई एच वन, एच वन कितना है 2, कितना आ गया कैंसिल, एच टू साइज की वैल्यू आ गई कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज शॉर्टहैंड डबल साइज का बना, इमेज इतनी दूरी पे बना, इमेज रियल बना, इमेज इन्वर्टेड बना। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, आप इसको एक बार देख लेना, अच्छा सवाल था, बेसिक आइडिया मिल गया कि हम क्वेश्चंस को अगर आ गया नेचर ऑफ इमेज बताने तो कैसे करेंगे। अगर मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस का होता तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते, बस कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते, बाकी यू वगैरह तो नेगेटिव होता ही होता है। तो आज मैंने आपको लेंस फॉर्मूले का प्रूफ, उस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल कराया। मुझे पूरी उम्मीद है अपने अच्छे अच्छे बच्चों से, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत मुझे पता है, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक बेटा टेक केयर। लेकिन हाँ एक बात, टेक केयर से पहले एक छोटी सी बात और, टेक केयर तो हो ही गया, थोड़ा सा मुझे फिर याद आ गई एक बात यार, पता नहीं अचानक भूल भूल के याद आती है बातें। एक कॉन्सेप्ट आपको याद समझना है कि अगर ऑब्जेक्ट याद रखना इन्फिनिटी पे हो तो इमेज जो होता है वो फोकस पे होता है। ये तो आपने वहाँ पर भी देखा था, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनता है। इन सब बातों का ध्यान रखना, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कॉन्केव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, है ना। देखो अगर आप यू को इन्फिनिटी रख दोगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया, जीरो, तो वी बराबर एफ आ जाए। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, ध्यान से सुनो बेटा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, ध्यान से सुनो बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, अगर यू के जगह पर भी आप क्या बना दो, एफ बना दो, तो क्या होगा, उधर जाके वन अपॉन एफ, आप देखो यहां पे, एक सेकेंड रुकना भाई, कहां चला गया। देखो अगर मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, दोबारा लिख देता हूं, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, वन अपॉन वी
माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू कितना था, वन अपॉन एफ। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पर हो, फोकस पे हो, तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, राइट। लेकिन यहां पे वही बात है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो भी लोगे वो माइनस में लोगे तो ये हो गया माइनस में, राइट। तो वन अपॉन वी उधर जाके क्या बन गया, प्लस वन अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना, वन अपॉन एफ। वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन एफ क्या हो गया बताना, जीरो। तो वी कितना आ गया, वी इज इक्वल टू वन अपॉन जीरो, यानी वी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यही बताना चाह रहा था ना मैं कि अगर ऑब्जेक्ट आपका कहां पर होता है, फोकस पे, तो इमेज कहां पे चला जाता है, इन्फिनिटी पे, यस। और अगर अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे हो तो देखते हैं क्या होता है बेटा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो जाए, यानी वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी बराबर वन अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना, वन अपॉन वी इज इक्वल टू हो गया वन अपॉन एफ। कैसे, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाता है, जीरो, तो वी इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ। ये भी पॉइंट याद रखना कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ पे होगा, फोकस पे। इन सब बातों का ध्यान रखना है स्पेशली। फिर क्या बताया जाता है, इस बात को अच्छे से सुन लो, अगले अगले कॉन्सेप्ट को, कि जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ऑलवेज वर्चुअल इमेज, ऑलवेज वर्चुअल इमेज। उल्टा हो रहा है, मिरर में कॉन्वेक्स मिरर और लेंस में कॉनकेव लेंस, हमेशा वर्चुअल बनाता है, कभी रियल इमेज नहीं बनाता, क्योंकि रे डाइवर्ज हो जाते हैं, एक्सिस से रियल में मिल ही नहीं पाते। लेकिन फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में याद रखना बेटा, अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंस से ज्यादा है तब तो इमेज रियल बनता है, याद रखना, रियल बनता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से कम है, यानी ऑब्जेक्ट को फोकस से अंदर रखा जाए, तो इमेज वर्चुअल बनता है, वर्चुअल बनता है। और आपको पता ही है वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, बताया था ना मैंने, इरेक्ट होगा, अभी जस्ट पढ़ाया मैंने कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, सब आपको पता है। तो आपने क्या सीखा, मिरर में क्या था, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल बनाता है, यहां कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल बनाता है, और कॉन्वेक्स लेंस रियल भी बनाता है वर्चुअल भी बनाता है। वहां कॉनकेव मिरर था, रियल भी बनाता था वर्चुअल भी बनाना था। मिरर में भी यही बात थी, सेम चीज, फोकल लेंथ के अंदर रखोगे ऑब्जेक्ट को तो वर्चुअल बनाएगा, फोकल लेंथ से बाहर रखोगे तो रियल बनाएगा। ये तो चीज मिल रही है, बट कुछ चीजें मिरर से अलग हो गया, दो चीजें मिरर से अलग हो गया मुझे जहां तक लगता है। एक तो कि फोकल लेंथ दोनों का पॉजिटिव है, ये तो सेम है, कॉन्वेक्स मिरर का भी, कॉन्वेक्स लेंस का भी, कॉनकेव मिरर का नेगेटिव, कॉनकेव लेंस का नेगेटिव, ये भी सिमिलर है। और एक और सिमिलरिटी है कि मिरर में भी ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर होगा तो वर्चुअल बनता है, और फोकल लेंथ के बाहर होगा तो रियल बनता है। बट वहां क्या था, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल बनाता था, यहाँ कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल बनाता है। वहां कॉनकेव मिरर रियल भी बनाता था वर्चुअल भी बनाता था इस कंडीशन पे, यहां वो कॉन्वेक्स लेंस के साथ रियल भी बनाता है वर्चुअल भी बनाता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना और समझना, ये बहुत काम की चीज़ मैंने पढ़ाई। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक टेक केयर, बाय बाय।